उत्तर प्रदेश के कासगंज में सोरों को तीर्थ स्थल घोषित कराने को लेकर आज आंदोलन आमरण अनशन तक पहुंच गया। आमरण अनशनकारियों ने आंदोलन को अंतिम सांस तक लड़ने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि कासगंज जनपद का सोरों सुकर क्षेत्र प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल है। इस पौराणिक तीर्थ स्थल सोरों में एक नहीं अनेकों आस्था के केंद्र बताए जाते हैं और यह भी बताया जाता है कि भगवान बारह ने हिरण्यकश्यप का वध करके सोरों के सुकर क्षेत्र के हरपद्वीपी गंगा कुंड सोरों में अपने प्राणों को त्याग कर दिया था, तभी इस कुंड की एक नहीं अनेकों परंपरा बताई जाती हैं। इस कुंड में मृतक पूर्वजों की अस्थियाँ विसर्जन की जाती हैं, वहीं 72 घंटे के अंदर पानी में घुल जाती हैं। साथ ही इस कुंड में स्नान करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है, परंतु यह तीर्थ स्थल मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। भाजपा सरकार ने सत्ता हासिल करने से पूर्व घोषणा की थी कि सोरों तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल घोषित किया जाएगा, परंतु सत्ता हासिल करने के बाद सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया है। मजबूरन होकर तीर्थ स्थल घोषित करने को लेकर 15 अगस्त से आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी है। आज यह आंदोलन आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। आमरण अनशन की नेतृत्व में रहे भूपेश शर्मा, अशोक कुमार पांडे, अनिता उपाध्याय ने कहा कि सोरों सुकर क्षेत्र सरकार की उपेक्षा का शिकार है। जब तक सरकार सोरों को तीर्थस्थल घोषित नहीं किया जाएगा, वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और हर संभव सोरों को तीर्थस्थल घोषित करा के रहेंगे। सरकार को पता होगा क्या मजबूरी है। हम तो सरकार से अपनी मजबूरी उनके सामने रख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारे पौराणिक और पवित्र स्थान को जल्द से जल्द तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। कितने दिनों से आप इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन तो हमारा लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन कल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है जिसमें अन्न जल दोनों ग्रहण नहीं किया जाता। कितने लोग भूख हड़ताल में शामिल हैं? 3 लोग बैठे हैं, अभी संख्या और भी बढ़ सकती है शाम। क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार के कान पे इस भूख हड़ताल की जूं तक नहीं रखनी, जबकि तीर्थ स्थल पहले भी कई नेताओं ने घोषणा करी इलेक्शन से पहले, अब क्यों ऐसा वो कर रही है पीछे सरकार? पहले भी राजनाथ सिंह साहब और माननीय योगी जी ने भी एटा में इस संबंध में कहा था कि पर्यटन के रूप में इसे विकसित करेंगे, और यहाँ तक के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 2-3 मिल के यहाँ घोषणा भी कर चुकी हैं चुनाव परिदृश्य में कि ऐसे तीर्थ स्थल घोषित करेंगे, लेकिन क्या मजबूरियाँ रहीं ये हमें नहीं पता। हमें तो अपनी मांग से मतलब है, तीर्थ स्थल घोषित चाहिए भैया। तो कहीं ना कहीं भाजपा एक चुनावी लॉलीपॉप देख गई है पूरे सोरोवासियों को, अभी तक तो लगता यही है। शासन प्रशासन द्वारा अगर आपकी मांगे नहीं सुनी जाती तो कब तक इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? क्या अंतिम सांस तक ये आंदोलन बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा?